एक बहुत ही शातिर किलर जो 200 से भी ज्यादा कत्ल करके पूरे अमेरिका में सनसनी मचा देता है और अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ता। इस केस को सोल्व करने में कई ऑफिसर्स की नींद हराम हो जाती है। खूनी पकड़ा जाता है या नहीं, ये आपको मूवी देखकर पता चलेगा। कृपया एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अमेरिका के लोग न्यू ईयर पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसको ये पार्टी मंजूर नहीं थी। इसलिए वो रंग में भंग मिलाने के लिए पूरे शहर में लाशें बिछा देता है। उसका निशाना इतना सटीक था, या तो भेजा खोपड़ी से बाहर या दिल छाती से बाहर। एंजॉय तो अब दूर की बात थी, लोग अपनी जान बचाते छिप रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरे शहर में मातम छा जाता है। पटाखों की आवाज की जगह पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई देती है। ये है मूवी की मेन कैरेक्टर एलिनोर। ये एक पुलिस वाली है। ये अपने ऑफिसर्स के साथ तहकीकात में जुट जाती है। जिस जिस बिल्डिंग में मर्डर हुआ था वहाँ से लेजर लगाकर चेक किया जाता है और पता लगता है कि सभी निशाने किसी एक बिल्डिंग के रूम में से बैठकर लगाए गए थे। लेकिन तभी अचानक उस रूम में विस्फोट हो जाता है, यानी सारे सबूत स्वाहा। अब तो इस शहर की धड़कनें और भी थम जाती है। एलिनोर भागकर उस बिल्डिंग की तरफ जाती है। बिल्डिंग में से लोग भागकर बाहर आ रहे थे। फिर एलिनोर अपने साथी पुलिस वाले को कहती है, तुम बाहर आने वालों की वीडियो बनाओ, हो सकता है कि इनमें से कोई किलर हो, इससे हमें उसे पकड़ने में मदद मिलेगी। फिर वो सीढ़ियों के रास्ते से बिल्डिंग के ऊपर जाती है। ऊपर चढ़ते चढ़ते वो थक जाती है और मास्क ना लगा होने के कारण उसे सांस लेने में परेशानी होती है। फिर उस रूम में जाकर वो ताजी हवा में सांस लेने की कोशिश करती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। फिर FBI ऑफिसर जैक उसकी हेल्प करता है और उसे मास्क देता है। तभी वहाँ पर उन सब का सीनियर ऑफिसर लैंडमार्क आ जाता है। ये बंदा अपने काम को लेकर सीरियस था। वो टॉयलेट पोर्ट में से बाथरूम का सैंपल लेने को कहता है और एलिनोर को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। बाहर एक और ऑफिसर एलिनोर को डांटता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर बिना मास्क खुद का और हमारा समय बर्बाद करने के लिए आए हो। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर लैंडमार्क अपने सभी साथियों को संबोधित करते हैं। अगले कुछ घंटों में आप सबके टेबल सही और फेक एविडेंस से भर जाएंगे, लेकिन आप लोगों को अपनी सूझबूझ से सही और गलत का फैसला करना होगा। कातिल बाहर आजाद घूम रहा है और उसने अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ा। हो सकता है कि ये कोई आतंकवादी संगठन हो। अगर नहीं हुआ तो सभी संगठन इसको खुद में शामिल करने के लिए जुट जाएंगे। हो सकता है वो पागल हो, लेकिन इतने बड़े काम को अंजाम देना और एक भी सबूत ना छोड़ना किसी पागल का काम नहीं है। उसे किसी और धर्म के साथ मत जोड़ो। इसकी बजाय ये पता लगाओ कि कौन उससे प्यार करता है, किसने उसे गन चलानी सिखाई है और किसने उसे गन बेची है। मुझे पूरा विश्वास है वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिनोर किचन में थी। उसका साथी कहता है कि ये लोग इविल ही पैदा होते हैं। एलिनोर कहती है कि मेरा उसे देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। और तभी वहाँ पर लैंडमार्क आ जाता है। वो पुलिस वाले को बाहर भेजकर एलिनोर से उसका नजरिया पूछता है। एलिनोर कहती है कि वो आदमी विनाश की तलाश में नहीं बल्कि राहत की तलाश में आया था। वो ये काम फिर से करेगा क्योंकि उसे ऐसा करके अच्छा लगा। अगर अच्छा ना लगता तो वो 29 लोगों को नहीं मारता बल्कि एक दो पर ही रुक जाता। फिर लैंडमार्क पूछता है उसने 50-60 लोगों को क्यों नहीं मारा। एलिनोर कहती है कि जिस तरह खाना खाकर हमारा पेट भर जाता है, इसी तरह उसका मन भर गया होगा और हमें दोबारा भूख जरूर लगती है। लैंडमार्क एलिनोर से इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन लैंडमार्क सुबह 6 बजे उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। उसने वहाँ जैक को भी बुलाया था। एलिनोर पूछती है, क्या मैं ब्यूरो के लिए काम कर रही हूँ या आपके। लैंडमार्क कहता है कि मेरे ऊपर सीनियर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है। कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं और मुझे काम करने की भी आजादी नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को जो भी पता लगे सबसे पहले मुझे बताएं। फिलहाल तो मुझे आप लोगों से समझदार कोई नजर नहीं आ रहा। अगले दिन ऑफिस में सब लोग इस केस पर बातचीत करते हैं। लैंडमार्क कहता है कि हमें पिछले 6 महीने का डाटा इकट्ठा करना होगा। किसने उस बिल्डिंग में पेंट किया है, उस रूम के गेट पर कौन सी कंपनी का ताला लगा है, कौन वहाँ सर्विस बिल देने आता है और कौन कौन वहाँ रहता है, सबकी जाँच करनी होगी। फिर जैक बताता है कि वहाँ केबल, वाईफाई, टेलीफोन कुछ भी नहीं है और लॉकडाउन में ही वहाँ के मालिक ने पेंट करवाया था। इंस्पेक्टर मार्केंट बताता है किलर के पास चाबियों का एक गुच्छा था क्योंकि लॉक के ऊपर हमें बहुत से स्क्रैच मिले हैं। गन की बुलेट से हमें ये अंदाजा हुआ है कि किलर के पास SM-21 स्नाइपर है। अगर ये गन हुई तो हमें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये गन डेटाबेस से भी पुरानी है। पहले ये गन मिलिट्री में यूज होती थी। जब वीपन ज्यादा पुराने हो जाते थे तो उनमें से छांट कर खराब हालत वाले नष्ट कर दिए जाते थे और बाकी के स्थानीय कानून व्यवस्था के हवाले कर दिए जाते थे। लैंडमार्क कहता है कि किसी को भी कुछ भी पता चले तो सबसे पहले मुझे बताएं। वहां से जाने के बाद एलिनोर जैक से पूछती है,
कि लैंडमार्क किसी के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करता। जैक बताता है कि हर ऑफिसर उसके काम का श्रेय खुद लेना चाहता है। फिर लैंडमार्क जैक और एलिनोर को मुर्दा कर ले जाता है और दोनों से उनकी राय पूछता है। जैक कहता है कि सभी निशाने सिर और छाती पर लगे हैं, ऐसा मैंने फौज में ही देखा है। हो सकता है कि वो कोई रिटायर फौजी हो। एलिनोर कहती है कि ये भी हो सकता है कि वो किसी फौजी द्वारा प्रशिक्षित हो। तभी उनके पास एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि फ्रैंक को मुजरिम मिल गया है। फिर वे तीनों उस जगह पर जाते हैं। लैंडमार्क फ्रैंक से पूछता है, तुम बिना तहकीकात ऐसा कैसे कर सकते हो। फ्रैंक बताता है कि हमने जांच की है, उसने छोटी उम्र में ही स्कूल जाना छोड़ दिया था। उसने अपने अंकल से गन चलानी सीखी और इसके आईसीस के साथ भी संबंध पाए गए हैं। जब हमने इससे पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सभी को जान से मारने की धमकी देने लगा। और क्या सबूत चाहिए इसके खिलाफ। फिर जब पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो खिड़की से कूदकर अपनी जान ले लेता है। लैंडमार्क फ्रैंक को कहता है, हथियार तो छोड़ो, तुम्हें एक गुलेल तक नहीं मिली, अब तुम कबूल कर लो कि तुमने एक बच्चे की जान ले ली है। फिर वे अपने ऑफिस में कुछ लोगों को बुलाते हैं ताकि उनसे कुछ पूछताछ कर सके, लेकिन उन सब से बातचीत करने पर इन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। लेकिन एलिनोर को पेंटर पर शक हो जाता है जो अपने बच्चे को लेकर आया था, लेकिन ये सब शक ही था, इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं बताती। फिर एलिनोर अपने कंप्यूटर में बिल्डिंग की फुटेज देख रही थी, तभी उसके पास बाथरूम की फोरेंसिक रिपोर्ट आती है जो उन्होंने बिल्डिंग में से लिया था। लैंडमार्क उस समय फोन पर बात कर रहा था, इसलिए एलिनोर उसे नहीं बता पाती और अपने सबूतों में शामिल कर लेती है। फिर वहाँ पर लैंडमार्क आता है और कहता है कि तुम्हारे पास वो डिग्री नहीं है कि तुम ये लेटर पढ़ सको, और उसे डांटकर वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाते समय लैंडमार्क एलिनोर को डिनर पर चलने के लिए कहता है और उसे अपने घर ले जाता है। घर पर वो उसे बताता है कि मैं जो भी महसूस करता हूँ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हर ऑफिसर मेरी मेहनत पर खुद का लेवल चिपकाना चाहता है, और अगर मैं मुजरिम को पकड़ने में फेल हुआ तो नाम सिर्फ मेरा बदनाम होगा, इसलिए अगर मैं तुम्हें गुस्से में डांट भी दूं तो प्लीज तुम दिल पर मत लेना। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉल के अंदर एक आदमी खुद के लिए कपड़े ट्राई कर रहा था, तभी कोई उसके कपड़े चुरा कर ले जाता है। फिर वो स्टाफ को शिकायत करता है। वो बदबूदार इंसान बाथरूम में जाकर खुद को ड्राई क्लीन करता है और इसकी हरकत को देखकर एक आदमी बाहर सफाई कर्मचारी को शिकायत करता है और कहता है कि इस तरह के आदमी मॉल में आए अच्छा नहीं लगता, हटाओ उसे। फिर दो गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो आदमी बाथरूम से निकलकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और किसी के बचे हुए खाने में से सब्जियां और नॉनवेज हटाकर खाने लगता है। तभी गार्ड्स उसे ढूंढते हुए वहां भी आ जाते हैं और उसे अपना बैग चेक कराने के लिए कहते हैं, लेकिन वो आदमी मॉल में भी तबाही मचा देता है। उस समय एलिनोर फायर आर्म शॉप पर छानबीन कर रही थी। वो बूढ़ा बताता है, मैंने अरसों से SM-21 राइफल नहीं देखी, लेकिन ये बहुत बढ़िया गन थी, लोड करने में भी आसान, इजी टू क्लीन और स्टैंडर्ड एमओ, बिल्कुल 1853 में बने रॉयल इनफील्ड की तरह। फिर वो उसके सभी ग्राहकों की लिस्ट मांगती है। तभी उसके पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि मॉल के अंदर एक बहुत बड़ी वारदात हुई है। जब एलिनोर वहां जाती है तो सभी ऑफिसर उस समय CCTV फुटेज देख रहे थे। उन्हें पता चलता है कि बाथरूम से बाहर आकर उसने अपनी शर्ट को डस्टबिन में डाला है। फिर जैक वहां जाता है तो पता चलता है कि इस घटना से थोड़ी देर पहले डस्टबिन को ट्रक में खाली कर दिया गया था। फिर लैंडमार्क एलिनोर और जैक को उस ट्रक के पीछे भेजता है। तभी वहां पर लैंडमार्क का सीनियर ऑफिसर नेथन आ जाता है और एलिनोर उसे कहती है कि आप अपनी दवाइयां ले लो, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने वाला है। फिर एलिनोर और जैक जंकयार्ड में जाते हैं और जहां वो ट्रक पलटा गया था उसके अंदर से किलर के कपड़े ढूंढने लगते हैं। उधर नेथन ने लैंडमार्क के ऊपर इतना प्रेशर बना दिया था कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जैक और एलिनोर भी किलर के कपड़े ढूंढकर ले आए थे। फिर लैंडमार्क अपनी टीम से पूछता है, क्या किसी को कोई भी ऐसी दुकान मिली जहां से उसने हथियार खरीदे हों। फिर एलिनोर कहती है कि उसे हथियार विरासत में भी तो मिल सकते हैं। तभी जैक के मोबाइल पर उन कपड़ों की रिपोर्ट आ जाती है जिसमें लिखा था कि उसकी शर्ट पर डैंड्रफ जैसी कोई चीज पाई गई है, लेकिन वो डैंड्रफ नहीं है, ये उन लोगों के दिखाई देती है जिनके सिर के ऊपर गहरी चोट लगी हो। तभी वहाँ पर एक जिम्मेदार आदमी का फोन आता है। वो उन लोगों पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि मैं अकेला ही नहीं हूँ, और भी हैं। अगली बारी तुम सबकी होगी। फिर जैक बताता है कि हमने उसका फोन टैप कर लिया है। फिर पूरी टीम हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्हें पकड़ने के लिए जाती है। एलिनोर लैंडमार्क को कहती है, मुझे ये किलर नहीं लगते, अगर मैं होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। लैंडमार्क कहता है कि मुझे जैसे ऑर्डर मिले हैं मैं वैसा ही कर रहा हूँ, और तुम भी आदेशों का पालन करो। फिर उन गुंडों की कार एक गैस स्टेशन पर बने स्टोर पर रुकती है। वहाँ एक और वैन आती है। लैंडमार्क अपनी टीम के साथ उस कार में बैठा था। फिर चार आदमी निकलकर स्टोर में जाते हैं। एलिनोर और जैक उनके पीछे पीछे अंदर जाते हैं और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन सबको बाहर भेजते हैं।
उन गुंडों को इन पर शक हो जाता है और आपस में गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलीबारी में एक पुलिस ऑफिसर और तीन गुंडे मारे जाते हैं, लेकिन चौथा बदमाश कहता है कि हमने तो सिर्फ मजाक किया था, जो हमें बहुत महंगा पड़ गया। अगले दिन लैंडमार्क से इसका जवाब मांगा जाता है। वो कहता है कि हम सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने पहले गोलीबारी शुरू कर दी। लैंडमार्क ने अपनी पूरी सफाई दी, लेकिन फिर भी उसको सस्पेंड कर दिया गया। उस रात एलिनोर, जैक और लैंडमार्क खूब शराब पीते हैं और लैंडमार्क के साथ जो भी हुआ उसके लिए उससे खेद प्रकट करते हैं। लैंडमार्क कहता है कि उन्होंने मुझे यूज किया। बड़े अफसर हमेशा यही तो करते हैं, अपने से छोटों को यूज करो और मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दो। लैंडमार्क की 30 साल की नौकरी का आज उसे इनाम मिल गया था। आज जो कुछ भी हुआ उसने एलिनोर के दिमाग पर गहरा असर डाला। वो एक पल के लिए भी अपने दिमाग को आराम नहीं दे पाई और अपने ही बिहाफ पर एक आदमी के पास जांच करने के लिए पहुंच गई। ये वही पेंटर था जो उस दिन अपने बच्चे को लेकर आया था। पहले तो वो एलिनोर को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब उसकी वाइफ उसे डांटती है कि तुम इन्हें सच क्यों नहीं बताते, फिर वो सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलिनोर लैंडमार्क को भी बुला लेती है। वो आदमी बताता है कि मैं पेंट का काम करता हूँ और अक्सर एक से ज्यादा काम पकड़ लेता हूँ, फिर जिन जगह पर देखरेख के लिए कोई मालिक नहीं होता वहाँ ऐसे आदमी काम करने के लिए लगा देता हूँ जो सिर्फ खाने के बदले में ही काम कर देते हैं। जब मैं उस बिल्डिंग में काम कर रहा था तो मुझे डीन नाम का एक आदमी मिला। वो खाने में नॉनवेज नहीं खाता था। उसने बताया कि जब से उसने बूचड़ खाने में काम किया है तब से नॉनवेज से नफरत हो गई है। मैंने ये सब पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं फैमिली मैन हूँ और गिरफ्तार होने से डर गया था। फिर वहाँ एक पेंटर को बुलाया जाता है। वो उस आदमी से पूछ कर डीन का स्केच तैयार कर देता है। उस इलाके में तीन बूचड़ खाने थे, फिर वे स्केच लेकर उन तीनों में ही पता लगाने जाते हैं। एक बूचड़ खाने में उन्हें रमोना नाम की लेडी मिलती है जो डीन को जानती थी। वो उन्हें उसकी माँ का एड्रेस दे देती है। अब उनके पास किलर का नाम भी था और एड्रेस भी। एलिनोर पता कर लेती है कि उसके पिता फौज में हथियारों वाले डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। उन्हीं ने डीन को गन चलानी सिखाई और उन्हीं से उसे हथियार मिले। फिर वो डीन की मॉम के घर पहुंच जाते हैं। एलिनोर जैक को फोन करने के लिए कहती है, लेकिन लैंडमार्क मना कर देता है। वो कहता है कि उन्होंने उसे लात मारकर बाहर फेंका है, अब इस केस को मैं खुद सॉल्व करूंगा ताकि अपना खोया हुआ सम्मान फिर से वापस पा सकूं। तभी वहां डीन की मॉम आती है। पूछने पर वो बताती है कि मैंने लंबे समय से अपने बेटे को नहीं देखा है। लैंडमार्क कहता है कि अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो हम सब कुछ यहीं पर रोक सकते हैं। वो बताती है कि मैंने कभी अपने बेटे को खुश नहीं देखा। वो बचपन से ही खाली घर ढूंढता है और वहीं सोता है। वो मांग कर खाना खा लेता है। जब वो पैदा हुआ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वो एक नॉर्मल बच्चा था। एक दिन वो अपने पिता की टारगेट इकट्ठा करने में मदद कर रहा था, लेकिन उसके पिता को नहीं पता था कि वो अभी भी वहाँ है। और जब वो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक गोली उसके सिर में लग गई। उसे ठीक होने में 6 साल लग गए। बस उसके बाद से ही वो ऐसा हो गया। उसे ऊंची आवाज और तेज रोशनी दोनों पसंद नहीं है। तभी एलिनोर की नजर बाहर सूख रही शर्ट पर पड़ती है और फिर उसे दूर बने एक घर में किसी के होने का एहसास होता है। और तभी एक गोली लैंडमार्क को लगती है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। फाइनली उसे अपनी ड्यूटी से और अपने फर्ज से आजादी मिल गई। डीन की मॉम कहती है कि हिलना मत वरना वो तुम्हें भी शूट कर देगा। फिर वो एलिनोर का फोन और उसकी गन लेकर डीन के पास जाती है और उसे कहती है कि वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए थे, अब या तो तुम उनके साथ जाओ या फिर मेरे साथ आओ। और ये कहकर वो खुद को शूट कर लेती है। अब एलिनोर की पूरी तरह से फटी पड़ी थी क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन तभी डीन अपनी राइफल लेकर एलिनोर के पास आता है और कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम कहोगी कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, और मैं मान जाऊंगा। मुझे भी पता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए थे। मैंने 200 से ज्यादा आदमियों को मारा है। एलिनोर कहती है कि अगर हम तुम्हें मारने आते तो पूरी फोर्स को लेकर आते, हम तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए आए थे। अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम सरेंडर कर दो और जेल जाकर सबको बताओ कि इस रास्ते पर कुछ नहीं पड़ा। डीन कहता है कि कुछ बेवकूफ लोग मांस खाते हैं, नशा करते हैं, आतिशबाजियां करते हैं, क्या मिलता है उन्हें ये सब करके। वे ऐसा करके मेरे जैसे शांति प्रिय लोगों की शांति भंग कर देते हैं। उनकी वजह से आसमान में तारे भी नहीं दिख पाते। वे लोग वे चीजें बर्बाद करते हैं जो उनकी है ही नहीं। ये जानवर, ये आसमान, ये सब क्या उनके बाप का है। लेकिन अब मैं ये सब कुछ करके थक गया हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं खुद को गोली मार लूँ। लेकिन तुम मुझे वादा करो मेरी डेड बॉडी खबरों में नहीं आएगी। तुम गैसोलीन से मेरी और मेरी माँ की बॉडी जला दोगी। एलिनोर हाँ कर देती है, लेकिन इतने में वहाँ पर और पुलिस वाले आ जाते हैं और डीन एलिनोर को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। वो उसे सामने वाले घर की बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है। उस जगह पर दो पुलिस वाले आए थे, लेकिन डीन उन्हें शूट कर देता है। मरने से पहले एक पुलिस वाला वहाँ पर बैकअप बुला लेता है। फिर देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। एलिनोर उसे समझाती है कि अब भी समय है, तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन वो दो बम लेकर बाहर जाता है और उन्हें बाहर फिट कर देता है। और जब वो उसका रिमोट उठाने के लिए अंदर आता है तो एलिनोर फिर से उसे समझाती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो वो उसके गले पर काट लेती है।
डीन बटन दबाकर विस्फोट कर देता है और एलिनोर को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर एलिनोर खुद को छुड़वा लेती है और वहाँ से बाहर जाती है। फिर जैक उसके पास आता है और कहता है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। वो कहती है कि लैंडमार्क ने मुझे रोक दिया था। डीन चलते चलते बहुत दूर तक चला गया था। फिर सभी पुलिस वाले उसे पूरे इलाके में छान मारते हैं। डीन थक कर एक बिल्डिंग की दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो अपनी गन निकालता है और सभी पुलिस वाले उसे शूट कर देते हैं। अब फाइनली 200 से भी ज्यादा लोगों को मारने वाला हथियारा मारा गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर नेथन एलिनोर को एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है, जिसमें लिखा था कि इस केस में जो कुछ भी हुआ सब क्लासिफाइड रहेगा और ये केस बीपीडी और ब्यूरो ने मिलकर सुलझाया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा साथ दिया है और डीन के घर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोलोगी। एलिनोर ने जो कुछ भी किया उसके बदले में उसे एक परमानेंट जॉब दी जाएगी। फिर एलिनोर पूछती है कि क्या ये मेरे चुप रहने और लैंडमार्क की जान की कीमत है। ये कहकर एलिनोर उनका ऑफर ठुकरा देती है और एग्रीमेंट पर साइन नहीं करती। वे पूछते हैं तो तुम्हें क्या चाहिए। एलिनोर कहती है कि मैं चाहती हूँ आप लैंडमार्क का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाएं और उसकी बॉडी को सम्मानित करें और उसकी पूरी पेंशन उसकी फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें और मैं स्पेशल एजेंट बनना डिजर्व करती हूँ। नेथन उसकी दोनों ही शर्तें मान लेता है। फिर वो पेपर्स पर साइन करके उन्हें दे देती है। उन दोनों के जाने के बाद चीफ जैक्सन एलिनोर को कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों, इस मूवी से आपको क्या मैसेज मिला? क्या डीन ने जो बातें कही थी वे सब सही थी? क्या लैंडमार्क अपने काम के प्रति ईमानदारी के बदले मौत डिजर्व करता था? क्या एलिनोर ने अपने बॉस लैंडमार्क के लिए सही डिसीजन लिया? कमेंट करके जरूर बताना। आप चाहे कोई भी वीडियो चेक कर लें, मैं सभी कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूं। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।